जी वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल गुड जनाब। आज शुरुआत करते हैं मीठे से, और जी यहाँ पर स्कूलें यानी कि गुलाब जामुन और गाजर के हलवे आ चुके थे, और जी हमने इंजॉय भी कर लिए। तो चलिए जी किचन में चलते हैं, और आज मैं सुबह सुबह ही खाना जो है वो बना रही हूँ क्योंकि गैस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं सुबह ही उठती हूँ नाश्ते के साथ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो लंच है वो भी रेडी कर लेती हूँ। तो जनाब मेरा इरादा था मटर पुलाव बनाने का, और आज मैंने मटर पुलाव बनाई है, और शायद ये वाली रेसिपी आपको पसंद आ जाए। सबसे पहले मैंने इसमें ना जो साबित मसाला था वो मैंने लिए थे, ठीक है। उसके बाद ही मैंने अनियन जो है वो चॉप किए हुए थे, उसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए थे। करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, उसको खूब पकाया अच्छी तरीके से पकाने के बाद जब ऑयल ऊपर आ चुका था, उसमें फिर मैंने मटर ऐड कर दिया। अभी मसाला मैंने ज़्यादातर ऐड नहीं किया, अब ये मसाला मैंने ऐड किया। और मसाला मैंने ऐड किया था, नमक लेना है, हरी लाल मिर्च पाउडर लेना है, धनिया पाउडर लेना है, जीरा पाउडर लेना है, हल्दी लेनी है, ठीक है। उसके बाद जी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेती जानी है, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे से उसको भुनाई लगानी है मटर अच्छे से, जब आप यानी ऑयल ऊपर आ जाए, मटर अच्छे से जो है वो पक जाए, हल्का सा जो है नरम नरम सो जाए, क्योंकि वो अब लास्ट में मुझे चावल ही ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे मटर जल्दी बना यानी कि बिल्कुल अच्छे से गला लेना था मटर। उसके बाद चावल ऐड करने के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो जी हमने अच्छे से जो है वो मटर को पका लिया है, और मैंने इसे देख भी लिया है कि ये गल गया है या नहीं गला है। तो अब चलते हैं इसके अंदर जी, मैं सबसे पहले चावल ऐड करूँगी। चावल थोड़ा सा मैं मसाले के साथ मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद मैं ऐसे थोड़ी एक दो हरी मिर्च जो है वो मैंने पीसेस कटिंग करके मैं ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने पानी इस अंदाज़ से डालना है, आपने जितने आपने चावल लेने हैं उतने ही करके पानी डालना है। मैंने चावल का जो है डबल पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, चावल मेरा उसी में ही पक गया था जितना मैंने चावल लिया था, जिस डब्बे से नाप कर उसी डब्बे से नाप कर मैंने उसमें पानी ऐड किया, ठीक है। और अगर आपको पकने के बाद हल्का सा जो है वो थोड़ा चावल कच्चा कच्चा सा लगे तो उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं और उसे दम में दे सकते हैं, ठीक है। और जी मेरा जो खाना है वो रेडी हो चुका है, चलिए जी इसकी जो है वो दिखाती हूँ लुक। जी जनाब तो ये चेक करें आप, मैंने इसे ना कपड़े से कवर कर दिया था, बड़े अच्छे से दम में दिया हुआ है, ठीक है। और ये फाइनल लुक मेरी आप चेक करें चावलों की, कितने खिले खिले से चावल रहे और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, और टेस्ट भी आप ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत 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 मज़े की टेस्ट है। तो आप इसे सैलड के साथ या फिर आप शामी कबाब के साथ इंजॉय करें। और अगली रेसिपी के लिए अगर आपको कोई दूसरी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप वो ये रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे तो बहुत 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 मज़े की लग रही थी और घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी। तो चलिए जी होप ये वाली वीडियो को पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।